कोई भी हेयर कट करते वक्त सबसे पहले हम बालों को सेपरेट करके कटिंग शीट लगाएंगे और बेसिक हेयर कट जो होता है हेयर कट पे सेक्शन कैसे निकालते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में वन लेंथ हेयर कट के लिए कैसा सेक्शन निकाला जाता है सो गाइस आज मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वन लेंथ हेयर कट करना सिखाऊंगा। मैं बालों को गीला कर रहा हूँ ताकि कॉम करते वक्त बालों में हेयर कहीं फंसे ना और आसानी से कॉम हो जाए और अपना हेयर कट भी आसानी से हो जाता है, इसलिए जब भी हेयर कट करें तो बालों को गीला कर लें। वेट हेयर में गीले बालों में कॉम बहुत ही अच्छा होता है, बाल फंसता नहीं है और क्लाइंट को भी इरिटेशन सा नहीं होता है, बाल कहीं खींचता नहीं है, तो इसलिए हम कभी भी हेयर कट करते वक्त अच्छे तरीके से बालों को गीला कर लें। एंड गीले बालों में आसानी से सेक्शन भी निकल जाता है, सेक्शन भी कहीं फंसता नहीं है, नीट और क्लीन सेक्शन निकलता है। वन लेंथ हेयर कट के लिए सेक्शन निकालते वक्त सबसे पहले हम प्रोफाइल सेक्शन निकालेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं प्रोफाइल सेक्शन निकाल रहा हूँ और प्रोफाइल सेक्शन को ही हम सेंट्रल प्रोफाइल सेक्शन भी कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रेडियल सेक्शन निकालेंगे और इस सेक्शन को हम ईयर टू ईयर सेक्शन भी कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं फिंगर कान के पीछे लगा के प्रोफाइल सेक्शन के बीच लाइन पे कॉम्ब रख के स्कैल्प में टच के साथ सेक्शन को निकाला। ये आसान तरीका है सेक्शन निकालने का, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन सेक्शन निकलता है। और हेयर कट करते वक्त सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लीन नीट और क्लीन सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन सेक्शन है। सेक्शन निकालने के बाद हम बाकी बालों को सेक्शन क्लिप के साथ सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अब मैं प्रॉपरली प्रोफाइल सेक्शन निकाला हूँ जो यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद मैं ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला हूँ। इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में रेडियल सेक्शन बोला जाता है। इस सेक्शन को हम प्राइमरी सेक्शन भी कहते हैं या बेसिक सेक्शन भी बोल सकते हैं। कोई भी हेयर कट करते वक्त सबसे पहले नीट और क्लीन सेक्शन निकालते हैं ताकि प्रॉपरली हेयर कट भी हो जाता है, अच्छे तरीके से प्रॉब्लम नहीं होता है। वन लेंथ हेयर कट करते टाइम हम पतले पतले सेक्शन पे काम करते हैं और जैसे कि मैं चार पार्टों में सेक्शन को डिवाइड कर दिया, उसके बाद बैक से पतला सेक्शन लेके उसमें गाइडलाइन बनाना है। अब मैं बैक से स्टार्ट करूँगा और पतले पतले सेक्शन पे काम करना है हमें। सबसे पहले एक सेक्शन लेकर गाइडलाइन क्रिएट करेंगे बालों पे और उसी गाइडलाइन पे टोटल वर्क
होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा पतला सेक्शन लिया और उसी पे मैं एक गाइडलाइन क्रिएट करूंगा ताकि आगे का जो भी हेयर कट हो उसी के अकॉर्डिंग मैं कट करूंगा। सेक्शन निकालने के बाद बाकी के बालों को हम अच्छे तरीके से सेपरेट करेंगे ताकि बाल इधर उधर ना हो और मैं अपना हेयर कट आसानी से कर सकें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं सेक्शन को निकाला और बाकी के बालों को मैं सेपरेट करके सेक्शन क्लिप लगा दिया। हाँ तो दोस्तों, ये तो रहा अपना बेसिक सेक्शन जो नॉर्मली वन लेंथ हेयर कट करने पर यूज होता है, बेसिक हेयर कट करने पर यूज होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस सेक्शन का यूज हम वन लेंथ हेयर कट करने पर कैसे यूज करें। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।